हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रीना रियल लाइफ में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो आज बनाते हैं परवल की सब्जी। ये देखिए, ये है परवल जो मैंने अच्छी तरह से छील लिया है और इसमें आलू भी मैंने 4-5 आलू लिए हैं, छोटे छोटे आलू हैं, और उनको भी अच्छी तरह से छील लिया है। उसके बाद मैं इसे धो रही हूँ और धोने के बाद इसे हम काट लेंगे। और ये देखिए, मैं इस तरह से काट रही हूँ ताकि मतलब परवल अच्छी तरह से पक जाए। तो अच्छी तरह से हम इसे काट लेंगे, उसके बाद बनाना शुरू करेंगे। तो परवल की सब्जी आपने तो बहुत खाई होगी, पर एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनने वाली है और बहुत ही अच्छी बनने वाली है। तो एक बार मेरे तरीके से जरूर ट्राई कीजिए। तो ये देखिए, मैंने परवल को इस तरह से काट लिया है और आलू को भी काट लिया है। उसके बाद मैंने गैस चलाया और कढ़ाई चढ़ाया। कढ़ाई को बहुत अच्छी तरह से हम गर्म करेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे सरसों का तेल, और कढ़ाई को बहुत अच्छी तरह से गर्म करना है हमें, क्योंकि अगर कढ़ाई ठंडा हो तो उसमें चिपकने लगेगा। इस वजह से हम इसे बहुत अच्छी तरह से गर्म करेंगे। और उसके बाद डाला मैंने सरसों का तेल, और सरसों का तेल डालने के बाद यहाँ पे जब तेल गर्म हो गया अच्छी तरह से, तो मैंने डाला यहाँ पे सबसे पहले परवल। और परवल को हम यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, मतलब परवल एकदम कम्प्लीट पक जाएगा यहीं पर, बस इतना हम इसे फ्राई करेंगे। और परवल को डालने के बाद हम इसे इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डालेंगे, मतलब थोड़ा ही से डालना है, जस्ट इतना कि परवल पक जाए अच्छी तरह से। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चलाया परवल को, उसके बाद इसमें डाला आंच। इस टाइम पे हम कम ही करके रखेंगे आंच को। और इसके बाद मैंने डाल दिया यहाँ पे थोड़ा सा नमक। नमक हम बाद में भी यूज करेंगे, और अभी जस्ट हम परवल को पकने के लिए नमक डाला है मैंने। तो यहाँ पे डाला नमक, और इसके बाद अच्छी तरह से इसको चलाएंगे। उसके बाद इसको ढक कर पकाएंगे हम, लगभग 5-7 मिनट पकाएंगे हम इसे ढक कर, क्योंकि अगर परवल कच्चा रह जाए तो फिर पानी डालने के बाद इसमें ग्रेवी में डालने के बाद ये नहीं पकेगा। जितना भी पकना होगा परवल को, वो हमारा जो भुनेगा यहाँ पे फ्राई होगा उसी टाइम पे पक जाएगा। तो ये देखिए, थोड़ी देर बाद परवल पकने लगा है और इसमें थोड़ा सा ब्राउन सा कलर आने लगा है। तो हम इसे पलट पलट कर बहुत अच्छी तरह से पका लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे आलू, जो हमने काट के रखा था वो डालेंगे, और आलू को भी हम बहुत अच्छी तरह से पकाएंगे। आलू डालने के बाद थोड़ा सा चलाया मैंने, उसके बाद फिर से ढक दिया ताकि आलू भी थोड़ा सा पक जाए। और आलू और परवल को हम बस इसी तरह से पकाएंगे। तो आलू और परवल को मैंने बहुत अच्छी तरह से भुना, और ये पक भी गया है। आलू भी पक गया है और परवल भी हमारा पक गया है। उसके बाद हम इसे निकाल देंगे, सारा तेल इसका निचोड़, मतलब छान के इसको निकाल देंगे, सारा तेल को इसका निकाल के। तो ये देखिए, उसके बाद मैंने फिर से तेल डाला थोड़ा सा, और उसके और जब प्याज बहुत अच्छी तरह से भून जाए, इसमें प्याज थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट सा हो जाए और इसमें ब्राउन सा कलर आ जाए, तो हम यहाँ पे डालेंगे मसाला। मसाले में मैंने जीरा धनिया लिया है,
और लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है ये मैंने, वो मैंने डाल दिया यहाँ पे जो मसाला हमने तैयार किया था। उसके बाद हम ऊपर से डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे हम यहाँ पे। बस हमें मसाले में इतना ही यूज करना है इसमें, और ये भी मतलब जस्ट इतना मसाला में ही ये बहुत अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। तो तीखा आप उतना ही डालें जितना आप खा सकते हैं, तो मैंने तो एक चम्मच भर के डाला है क्योंकि हमारे यहाँ तीखा खाया जाता है। और आप अगर बच्चे आपके अगर बच्चे नहीं खाते हैं तो फिर आप ना डालें तीखा। उसके बाद मैंने डाला यहाँ पे टमाटर जो मैंने काट के रखा था, एक बड़ा सा टमाटर मैंने डाला यहाँ पे। और टमाटर पक जाए इसके लिए मैंने थोड़ा सा नमक डाला यहाँ पे, और हमने पहले भी परवल में डाला था नमक, तो इसके हिसाब से हम थोड़ा सा कम नमक डालेंगे यहाँ पे। और मसाले के बहुत अच्छी तरह से हम भूनेंगे, जब तक कि मसाले में से तेल ना आ जाए तब तक हम इसे भूनेंगे बहुत अच्छी तरह से। तो मसाला हमारा यहाँ पे अच्छी तरह से भून गया है और इसमें से तेल निकल आया है। उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे जो आलू और परवल हमने रखा था फ्राई करके, वो हम डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद इसे बहुत अच्छी तरह से चलाएंगे ताकि आलू और परवल में मसाले बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, मतलब रच बस जाए बहुत अच्छी तरह से। तब तक हम इसे मिलाएंगे अच्छी तरह से। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे पानी। तो यहाँ पे पानी आप उतना ही यूज करें जितना आप ग्रेवी चाहते हैं। मुझे ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए थी इसलिए मैंने पानी नहीं डाला है ज़्यादा। और ये देखिए मैंने इतना ही पानी डाला, उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिलाया और थोड़ी देर के लिए हम इसे ढककर पकाएंगे, लगभग 3 से 4 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे कम आँच में। उसके बाद ये बनकर बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो जाएगा। तो लास्ट में मैंने यहाँ पे डाला थोड़ा सा गरम मसाला, चुटकी भर गरम मसाला डाला ताकि इसमें गरम मसाला का फ्लेवर अच्छा आ जाए। उसके बाद हम इसे ढक देंगे। और वैसे भी परवल और आलू हमारा बहुत अच्छी तरह से पक गया है फ्राई करते टाइम, इसलिए इसे ज़्यादा देर तक पकाना मतलब ठीक नहीं है। तो थोड़ी देर बाद मैंने 3 से 4 मिनट बाद जब मैंने उठाया तो ये देखिए सब्जी बिल्कुल रेडी है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी और खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप चावल या रोटी के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं।